गुरु की वंदना की। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जिंदगी में गुरु जी की महिमा है। आजकल तो चेले ही गुरु बन जाते हैं, आज के लोगों को गुरु जी की जरूरत नहीं, गूगल बाबा गुरु बनो कछु जन। पहले के जमाने में गुरु जी किया, गुरु जी बताइए ऐसा ऐसा ऐसा, अब आजकल तो फोन निकालो, गूगल बाबा बताइए ऐसा ऐसा ऐसा, अब वो बता भी देता है। मीडिया का बड़ा खतरनाक जमाना है। अच्छा, मीडिया के जमाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन ज्यादा सदुपयोग ना करो। एक बार चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई, हमारा जो चेला है चंगीलाल, उसकी लुगाई बाई को, बाई को घरवाल मुन्नी बाई, क्या नाम था उसका, मुन्नी बाई। मुन्नी बाई को यमराज लेने आए, यमराज चलो मुन्नी बाई तुम्हारी टिकट कट गई। मुन्नी बाई बोली 2 मिनट इंतजार करो। यमराज बोले क्यों, बोले जरा मैं स्टेटस डाल लिया हूं मोबाइल। यमराज बोले स्टेटस कौन सा, बोले अभी बताती। मुन्नी बाई भागी भागी गई और जाकर के मोबाइल हाथ में निकाला और फेसबुक पर लिखा ट्रेवलिंग टू यमलोक। बोले अब ले चलो, बताओ क्या जमाना आ गया है? कितना विचित्र जमाना। तो मोबाइल का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन अब सब कुछ मोबाइल हो जाए। आजकल तो धन है भगवान, भगवान ही बचावे बजरंग बली वीर महाराज। सुबह होता है, पहले के जमाने में प्रातः काल होता था, गुरुजी का चित्र सामने रखते थे, गुरुजी के दर्शन, माता पिता के दर्शन, प्रणाम करते थे, सूर्य भगवान को प्रणाम। अब आजकल जैसे ही सुबह होती है तकिया के नीचे 8 बजे पहले मैसेज देखा था। पहले के जमाने में छोटे छोटे बच्चों को चेक किया जाता था कि ठीक ठाक है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, पेट खराब तो नहीं इसका हो गया। आज उसी प्रकार मोबाइल को चेक किया जाता है कि मैसेज तो नहीं आ गया। हाँ, मोबाइल चलाना बुरी बात है, चलाओ, लेकिन एक लिमिट टाइम, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। दिन भर कई लोग तो कथा में भी बैठे रहते, फिर उठाएंगे, फिर अद्भुत बात है। हम आपको समझाना चाहते हैं कि जिंदगी में गुरु का महत्व तो क्या होता। गोस्वामी तुलसीदास जी से सीखो। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान। स्वामी जी आगे वंदना करते, सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण बिहार वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। दो लोगों की वंदना की, कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर कौन है, कवीश्वर है वाल्मीकि जी। कपीश्वर कौन है, कपीश्वर है श्री हनुमान जी। और दोनों के लिए उपमा क्या लिखी गोस्वामी जी ने, वंदे विशुद्ध विज्ञान, ज्ञानी नहीं विज्ञानी है श्री हनुमान जी, अद्भुत विज्ञानी श्री हनुमान जी। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते वाल्मीकि जी भी विज्ञान। अच्छा, वाल्मीकि जी कौन है, कोयल। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य बिहारण, भगवान राम जी के अरण्य के कोयल हैं वाल्मीकि जी। और हनुमान जी कौन है, हनुमान जी है कीर। कीर माने होता है तोता। अगर वाल्मीकि जी कोयल हैं तो हनुमान जी तोता हैं, क्योंकि जब चित्रकूट में गोस्वामी जी को दर्शन करवाना था तो तोता का रूप धारण करके श्री हनुमान जी कहते, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर।
तो वाल्मीकि जी कोयल, हनुमान जी कौन है तोता, सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारण, भगवान श्री सीताराम जी के अरण्य, अरण्य माने होता वन, श्री राम जी के वन में वाल्मीकि जी जैसे कोयल और श्री हनुमान जी जैसे तोता जहां विराजमान है। तो तुलसीदास जी से कहा कि तुम कौन हो, बोले हम तोता के चेला तोता। बोले तुम कैसे, बोले हमारे गुरु जी तो श्री हनुमान जी हैं, इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। हमारे गुरु जी हनुमान जी, उनके चेला हम, गुरु जी हमारे तोता। बोले किस बन के तोता, बोले तोता तो है साधारण बन के नहीं, हमारे गुरु जी श्री सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य बिहारण, श्री सीताराम जी राम जी के अरण्य बन के तोता है हमारे गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे बंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर, ऐसे हम वाल्मीकि जी श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। अब पांचवें श्लोक में उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीम सीता न तो हम राम बल्लभाम। श्री जानकी जी की वंदना, कौन उद्भव, जो उद्भव की कारण है, लेकिन बनाने वाले तो ब्रह्मा जी है, संसार को तो ब्रह्मा जी बनाते, पालन विष्णु जी करते, संहार शंकर जी करते, फिर गोस्वामी जी ने उद्भव स्थिति क्यों लिखा है। जानकी जी को इस उपमा देकर के कहा सुनो ब्रह्मा जी बनाते तो हैं पर बनाने की शक्ति चाहिए, विष्णु जी पालन तो करते पर पालन करने की शक्ति चाहिए, शंकर जी संहार करते पर उसकी शक्ति चाहिए, वही शक्ति स्वरूपा हमारी मां जानकी जी है। कौन जानकी जी, जो क्लेशों को हरण करने वाली है, तुम उनको प्रणाम कर रहे। बोले नहीं नहीं नहीं, हमें उन जानकी जी से कोई मतलब नहीं है जो क्लेश मिटाती है, उन जानकी जी से मतलब भी नहीं है जो सर्वश्रेयस्करीम सब कुछ देने वाली है। बोले फिर किस जानकी जी से मतलब है, बोले सीता न तो हम राम बल्लभाम, श्री राम जी की जो बल्लभा जानकी जी सीता है हम उनको प्रणाम करते हैं। छठवें श्लोक में राम जी को प्रणाम किया, रज्जौ यथा हे भ्रमा, यहां ब्रह्म सूत्र का वर्णन आया है, जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है, ईश्वर सत्य है, संसार सपना है, राम जी अपना है। संसार क्या है, क्या है, संसार सपना है, केवल राम जी अपना है, इसलिए राम कथा में राम राम जपना है। देखो कितनी बढ़िया बात बन गई है, संसार सपना है, राम जी अपना है, इसलिए राम कथा में राम राम जपना है, एक दिन तो तपना है। कितनी बढ़िया बात, एक दिन तो तपना है, इसलिए आज कल क्यों, आज ही राम राम जपना है। अच्छा संसार सपना कहां है, इसको सिद्ध कैसे करोगे, तो रामायण की चौपाई पढ़ लो, शंकर जी अपने मुख से कह क्या, उमा कहां मैं अनुभव आपे जी।